तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को अगर देखोगे बेसिकली तो ये जो क्वेश्चन है, बॉडी मास एम टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब पहले बॉडी यहाँ था, अब ये जो बॉडी है कुछ एच हाइट पर यहाँ पर ले गए और ये हाइट 2R के इक्वल है, ठीक है, दिस हाइट इज इक्वल टू 2R। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यू आई था, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यू आई था इनिशियल, यहाँ फाइनल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर तुम बात करोगे तो डायरेक्ट फार्मूला शॉर्टकट याद है, एम जी एच और वन प्लस एच डिवाइडेड बाई आर, ठीक है ना। इस फार्मूले को डायरेक्ट लगा दोगे तो तुम्हें डायरेक्ट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो एम जी एच की वैल्यू यहाँ 2R के इक्वल है और यहाँ एच और एच की वैल्यू 2R और यहाँ से आर, तो 1R ने आर को ख़त्म कर दिया, मतलब यहाँ से तुम फाइनल सोल्यूशन देखोगे तो ये 2/3 एम जी आर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो 2/3 एम जी आर, मतलब ये देखोगे तो कुल मिला के हम लोगों का इसमें से कौन सा ऑप्शन बनता है भाई, डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, यहाँ पर लिख लो घटा दो, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख लोगे। सेकेंड मेथड अगर देखोगे तो ये लेंदी मेथड है, बेसिक है और सारे बुक में दिया हुआ है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम ओवर आर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर देखोगे तो माइनस जी एम एम ओवर आर प्लस एच अंडर रूट, एच की वैल्यू देखो और फाइनल में से इनिशियल घटा दोगे तो ये फार्मूला मिल जाएगा और फिर वैल्यू रख देना, सोल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो और भी वीडियो होंगे ग्रेविटेशन का, यूट्यूब पे सर्च कर लो, दो तीन वीडियो मिल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा गया नीट और जेई में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।